हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के खास वीडियो में हम लोग एक खास अंग के बारे में बात करते हैं और वो है हार्ट, हृदय। हृदय ही एक ऐसा ऑर्गन है जो जीवन के प्रथम सेकंड से लेकर के अंतिम सेकंड तक काम करता रहता है, अनवरत काम करता रहता है, बिना कभी रुके हुए काम करता रहता है। लेकिन हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसने हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इस वजह से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, हार्ट संबंधित बीमारियां हो रही हैं। हार्ट की स्पेशलिस्ट के यहाँ आप देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखते हैं कि हार्ट संबंधित बीमारियां हैं क्या और उससे संबंधित लक्षण क्या आते हैं, घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं ताकि जो हार्ट संबंधित बीमारियां आ रहे हैं उसके लक्षण कम हों, बीमारी कम हो, और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो हार्ट है उसको हम लोग ज्यादा किस तरह से पहुंचा रहे हैं, किस तरह से उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नुकसान पहुंचाने में देखिए क्या है कि अति महत्वाकांक्षा, तनाव, चुनौतियों भरा कार्य और क्या है, व्यायाम तथा फिजिकल वर्क, व्यायाम और फिजिकल वर्क क्या है कम, मेंटल वर्क ज्यादा। तो इस वजह से दूसरा क्या है कि देखिए, खाओ पियो मौज करो के नारे ने नशे की शिकार बना दिया है। सिगरेट, शराब, इन सब की आदत ने हार्ट को काफी नुकसान पहुंचाया है इनडायरेक्ट तरीके से। और क्या है कि भोजन में रेशेले पदार्थ की कमी, जो फूड सप्लीमेंट है उसमें रेशे कम है, बोलते हैं ना फास्ट फूड यूज कर रहे हैं। फूड तो फास्ट है लेकिन लाइफ स्टाइल क्या बना देता है, स्लो बना देता है, जीवन को स्लो बना देता है। नाम ही उसका फास्ट फूड, स्लो कर देता है पूरी लाइफ स्टाइल को, जीवन को। और क्या है कि अनियमित दिनचर्या, खाने पीने सोने जगने का टाइम निश्चित नहीं है, अनियमित दिनचर्या। आरामदेह जिंदगी, जिंदगी कैसी है, आरामदेह है, आरामदेह जिंदगी। चीनी नमक का असंतुलित उपयोग, चीनी और नमक का असंतुलित उपयोग सब हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लक्षण क्या आएंगे, सप्ताह में 3 से 4 बार अधिक पैरों में ऐठन आना, यानी आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, पैरों में अचानक ऐठन आ जाएगी ना। और क्या हो सकता है, तेज मेहनत का कार्य करने के बाद घबराहट या पसीना आना, यानी आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो घबराहट आने लगता है, पसीना आने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि हार्ट प्रभावित हो रहा है, उसके ऊपर जालती की जा रही है, ये सब ऊपर के प्रोसेसेस द्वारा है। तेज चलने, सीढ़ी चढ़ने में धड़कन का बढ़ जाना, आप तेज चढ़ते हैं, 2 फ्लोर चढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज चल दिए किसी फ्रेंड के साथ में तो धड़कन बढ़ जाती है। बैठे बिठाए एक पसीना आ जाना, आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा। छाती में बाएं ओर भयंकर दर्द होना, जो दाहिने हाथ की उंगली की तरफ बढ़ना, यानी इधर बाएं पोर्शन है इसमें भयंकर दर्द होगा इस तरह से इस एरिया में, उसके बाद बाएं तरफ बढ़ेगा। तो ये सब एक इंडिकेटर हैं कि हर्ट के ऊपर ज्यादती की जा रही है, हर्ट को नुकसान पहुंचा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइफ स्टाइल है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे और कुछ घरेलू उपाय करेंगे तो आपको जो हर्ट है, जो उसके ऊपर बीमारियों का आक्रमण होने वाला है, हो रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा लेंगे, फाइनली ठीक हो जाएगा ना। तो देखिए, घरेलू उपाय में क्या है कि लौकी का सब्जी में जेंथेन ऑक्सीडेज पाया जाता है। लौकी की सब्जी, हरा धनिया, जीरा, हल्दी, हल्का नमक आप बॉयल कर लीजिए, उसको खाइए। लौकी के अंदर जो अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल जमा होगा ना आर्टरी वेंस में, देखिए आर्टरी वेंस में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाने की वजह से जो आर्टरी वेंस है उसका डायमीटर कम हो जाता है, व्यास कम हो जाता है। तो उसमें सब जब ब्लड फ्लो करता है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि नली सक्रिय हो जाती है। तो लौकी आप किसी भी तरीके से खाइए, लौकी का जूस खाइए, लौकी बॉयल करके खाइए, आपके हार्ट को फायदा पहुंचाएगा ना। और क्या है, 10 ग्राम पीसा जीरा ले लीजिए, 10 ग्राम जीरा पीस लीजिए, मतलब 10 ही ग्राम मत पीसिए, मतलब अंदाज से 10 ग्राम ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दिया, सुबह उसको छान लीजिए, छानने के बाद जो पानी है उसमें मिश्री मिला के आप पीजिए। तो जीरे के अंदर के जो भी केमिकल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घोल के बाहर निकालता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल को घोल के बाहर निकालता है। और दही, दही कोलेस्ट्रॉल को घोल कर बाहर निकालता है, जो दही है ना, दही आप जमा लीजिए तो उसमें से 2-4 चम्मच पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने के बाद उसमें चीनी मिला दीजिए, उसके बाद उसको घोल के पीजिए अच्छे से। तो दही जो है हार्ट को बहुत फायदा पहुंचाता है, बस ये ध्यान रखना है कि दही आप लीजिए तो उसमें दही का चाहे जितना पानी हो लेकिन बाहर से थोड़ा 1-2 चम्मच पानी जरूर मिलाना है उसमें। 1-2 चम्मच पानी मिला देने से दही की जो गुणवत्ता है और बढ़ जाती है। अनार के रस में एलिजिक एसिड पाया जाता है जो रक्तवाहिनियों की भीतरी दीवार से LDL घोलकर बाहर निकल जाता है। जो एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो हाई डेंसिटी वाला बॉडी को फायदेमंद है,
लो डेंसिटी वाला नुकसान है, तो लो डेंसिटी वाला ही डिपॉजिट होता है इसकी दीवार आर्टरी, खासतौर से जो हर्ट को सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की जो अंदर वाली दीवार है उसमें हर्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें अंदर वाली दीवार है उसमें एलडीएल डिपॉजिट हो जाता है, तो उसका मार्ग सकला हो जाएगा। तो जो ब्लड है, ब्लड की जो दीवार है उसकी मेम्ब्रेन है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिस तरह से हर्ट संबंधी बीमारियां आती हैं। ठीक है, अब आंवले जो है ना, आंवला जो है उसमें सोडियम तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भरपूर क्षमता होती है, यानी जो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल है वो आंवले बाहर करेगा। आंवला खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले की चटनी खाइए, आंवले किसी तरीके से यूज करिए। तो इन सब घरेलू उपाय अपनाएंगे तो इधर जो ज्यादती आप किए हैं ऊपर, इन सब घरेलू उपाय उपाय करने से वो ज्यादती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, देखिए क्रेटेगस क्यों है और ये मकरध्वज क्यों है, इन दो दवा ले लीजिए, इसका भी 10 बूंद, इसका भी 10 बूंद, आधा कप पानी में मिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा चाय जैसा पीजिए। तो चाय जैसा जब पियेंगे तो क्या होगा कि वो धीमे धीमे कोलेस्ट्रॉल घोल के बाहर निकलेगा। दुनिया के जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं सब इस मेडिसिन के, क्रेटेगस के कंपोनेंट का, जो उसके अंदर केमिकल है उसका यूज करते हैं, टेबलेट्स के रूप में, कैप्सूल के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, किसी भी तरीके से यूज किया जाता है। होम्योपैथी में भी दवा है क्रेटेगस क्यों, मकरध्वज का भी यही काम है। तो क्रेटेगस क्यों जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सब यूज करते हैं। हर्ट के लिए रामबाण दवा है, आपके हर्ट के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको नॉर्मल करके स्वस्थ बनाएगा, आपको मेरा पक्का वादा है, आप करके देखिए। तो इधर जो है एक दो घरेलू उपाय करिए, होम्योपैथिक दवा लीजिए, तो इधर जो आपने ज्यादती की है उस ज्यादती के जो रिजल्ट हैं उसको कम करेगा, और हर्ट संबंधी जो बीमारियां वो ठीक होंगी। तो इस तरह से मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका हर्ट, पूरी शरीर और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।